उधर चीन के दक्षिणी हिस्से से तूफान सावला टकरा गया है, जिसकी तस्वीरें चीन के जुहाई से सामने आई। वहां तूफानी हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। इतना ही नहीं, हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से जगह जगह पेड़ भी गिरने लगे। कहीं सड़क पर पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर गई, तो कहीं लोग तूफान से बचने की कोशिश करते दिखे। चीन के समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। तूफान के खतरे को देखते हुए चीन में उड़ाने और स्कूल और बाजार बंद कर दिए। राहत बचाव की टीमों को भी अलर्ट कर दिया, ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। खबर है कि भारत की तोपों की ताकत देखने के बाद ब्राजील उन तोपों की खरीदारी कर सकता है। एक रोज पहले राजस्थान के जैसलमेर में युद्धाभ्यास करके भारत ने दुनिया को अपनी तोपों की ताकत दिखाई और इस दौरान वहां ब्राजील की सेना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और खबर है कि भारत की तोपों की ताकत देखने के बाद ब्राजील उन तोपों को खरीदना चाहता है। ब्राजील की सेना को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए 36 तोपों की जरूरत है और ब्राजील चाहता है कि उनकी ये जरूरतें भारत पूरा करे, क्योंकि भारतीय तोप सस्ते और नई तकनीक से लैस हैं। इससे पहले ब्राजील अमेरिका से होविट्ज़र की खरीदारी करता था, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय तोपों की ताकत देखने के बाद ब्राजील के सेना अध्यक्ष उन तोपों को खरीदना चाहते हैं। भारत और ब्राजील ब्रिक्स के सदस्य होने के अलावा पुराने दोस्त भी हैं। ऐसे में ब्राजील की सेना इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सैन्य सहयोग को बढ़ाना चाहती है। खबर है कि आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा ने भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए हाथ मिला लिया। कई राज्यों में हुई छापेमारी के बाद जांच एजेंसियां NIA को इस बात की जानकारी मिली, जिसके मुताबिक आतंकी संगठन TTP और अलकायदा भारत के खिलाफ डिजिटल जंग लड़ने की फिराक में है। खबर है कि अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए इन दोनों ने हाथ मिला लिए हैं। इस बात का पता NIA की कार्रवाई में चला। जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण NIA के हाथ लगे। आशंका जताई गई कि भारत में हैकिंग समेत कई दूसरी साजिश रचकर TTP और अलकायदा अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो संख्या में युवाओं को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में हैं। इसी साल अप्रैल में NIA ने इस तरह की खबर मिलने के बाद केस दर्ज किया था और उसी केस में इन चारों राज्यों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।